देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1870 में बने यानी 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर बेहद ही सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक कि आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने इस कानून के तहत पुराने मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत FIR पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए। केंद्र ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का फैसला दिया है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है देशद्रोह कानून। भारतीय कानून संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत अगर कोई देश का नागरिक सरकार विरोधी या कानून विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर उसका समर्थन करता है तो वो राजद्रोह का अपराधी है। इसके तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है या फिर संविधान के नियमों का पालन नहीं करते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेता है तो उस पर भी राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। ये कानून 1860 में बना था और इसे 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, TMC सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून पर सरकार की सभी दलीलों को ठुकराते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।